नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डीजे गुरुजी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंडियन डीजे एक्सपो में जो ATI Pro का बूथ है वो दिखाने वाला हूं। दोस्तों ATI Pro ने भी नई टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च करी, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी ट्री के नाम से काफ़ी सारी इनकी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा वॉइस शुगर हो गई, वॉइस इंजन, बेस नोट, साउंड मैग्नेट, ऑडियो फोर्स और ऑडियो मेटल। सो इनके एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है अपने यूज़ करने के। इनके स्पीकर्स में, एम्पलीफायर्स में, HF में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। और दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एग्जीबिशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, कैसा एग्जीबिशन है यहाँ पे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे एम्पलीफायर से। सो इधर आप आ जाइए। सो इधर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमने अपने एम्पलीफायर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो पार्ट्स यूज़ कर गए हैं उनको दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया हुआ है। और ये आप मॉडल देख सकते हो हमारा कौन सा है, ATI 1201 बूस्टर वाला मॉडल है हमारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ATI 601 पे। ऊपर से आप देख सकते हो इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एम्पलीफायर्स रखे हुए हैं ATI 4K 2M और ये 1201 जो सेम है ये वाला है हमारा। और ये हमारी नया जो एम्पलीफायर है ATI Pro का, ATI 1501 लिक्विड सीरीज़ के नाम से। और यहाँ पे हमारे P एम्पलीफायर रखे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 3 चैनल का DJ मिक्सर है वो आ गया। इधर हमारा PD का 2160 वाला स्पीकर आ गया, काफ़ी ब्राइट येलो कलर में स्पीकर आता है और काफ़ी अच्छा स्पीकर है बेस के। दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्पीकर्स की रेंज लगी हुई है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 वॉट का 21 इंची का, ये भी 5 इंची की वॉइस कॉल मिलती है इसमें। PD 1880 आ गया, डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। 6 इंची की कॉइल है इसके अंदर हमारी। नेक्स्ट आ गया PD 1870, इसके अंदर आप देख सकते हो हमारी 5 इंची की कॉइल है। और इधर 1850 प्लैटिनम जो काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, 4 पीस मैग्नेटाइजर आता है। और जो ये वाला था हमारा 1870, इसमें आपकी 4 पीस की डबल मैग्नेट आती है, यानी कि टोटल 8 पीस की मैग्नेट होती है। तो फ्रेम्स आप देख सकते हो ATI Pro जो हमारे सारे यूनिक फ्रेम से स्पीकर्स लेके आता है। ऊपर हमारा वो आगे डबल मैग्नेट के अंदर 2155 अभी नया लॉन्च किया गया जो ये स्पीकर है, 5.5 इंची कॉइल के साथ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो स्टार वाले लुक में जो स्पीकर आता है ना, यूनिक है एकदम मैग्नेट का। टी योग देख सकते हो इधर, मॉडल यहाँ पे इधर देख सकते हो। YX 15X 351 वर्जन 2 है। तो आगे देखते हैं 15 इंची का, ये भी हमारा 15 इंची का हो गया। YX 15X 635 हो गया, ये हमारा 10 इंची का आ गया नियो के अंदर। सो कुछ यहाँ पे ऐसे स्पीकर्स लगे हुए हैं। आगे यहाँ पे आप आ सकते हो, आगे इधर आप देख सकते हो 18 इंची का आ गया YX 18X 451 वर्जन 2 का स्पीकर है। ये भी पावर इसकी 1600 वॉट की हमारी। नेक्स्ट आ गया ZX, इसका फ्रेम देखिए कितना यूनिक है, डिज़ाइन देखिए फ्रेम की। सो ये भी हमारा 18 इंची का है, 1600 वॉट का। और देन यहाँ पे आ गया हमारा TX 1850 वाटरप्रूफ कोन के साथ। कोन की यहाँ पे आप फिनिशिंग देखिए किस तरह की आपको यहाँ पे कोन मिलती है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर स्पाइडर वगैरह यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको सीधा रखा हुआ है, इस हिसाब से आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारा एक ये वाला आ गया LF 18X 451। सो एक ये मिल जाता है, ये जो हमारे स्पीकर है इसमें हमारी 4.5 इंच की कॉइल है। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर आते हैं 10 इंची के स्पीकर दोस्तों, ये कुछ तो 1076 आ गया 400 वॉट का। और ये वाला जैसे मैंने आपको दिखाया YX 12X 351 वर्जन 2 12 इंची का हो गया है। और इधर हमारा हो गया है 12N76 जो कि हमारा 1000 वॉट का स्पीकर है, 3 इंची कॉइल के साथ है। और ये हमारा आ गया कोएक्सियल स्पीकर, मतलब हमारे स्पीकर के साथ इसमें आपको HF भी मिलती है। मॉडल 12 HCX 76 600 वॉट का इसमें स्पीकर है, 110 वॉट की HF है। और ये HF जो हमारी नियो मैग्नेट में होने वाली है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब आप आ जाइए इधर की साइड। इधर की साइड भी हमारे कुछ स्पीकर लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डिज़ाइनिंग जो यूनिक फ्रेम से हमारे कुछ इस टाइप से आपको मिलते हैं। और अगेन आप एक ओवरव्यू लीजिए, ये हमारा ZX हो गया, ZX 15X 301, इसका भी यूनिक फ्रेम है। और इसके आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, 3 इंची की कॉइल मिलती है और इसकी RMS पावर हमारी 400 वॉट की है। देन हमारा ये आ गया ATI Pro का, इधर आप देख सकते हो 400 वॉट का है, 15PS 76 आ गया। नेक्स्ट हमारा इसके हमारी RMS पावर 400 वॉट की है। इधर आप देख सकते हो किस टाइप के फ्रेम में आते हैं हमारे ये दोनों। और नेक्स्ट हमारा आ गया ये वाला ZX 15X 600, अगेन ZX सीरीज़ के जो यूनिक फ्रेम हमें मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको 18 इंची में भी येलो कलर का फ्रेम दिखाया था उसमें। देन हमारा आ गया HX 1502, काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है ये भी। और ये हमारा है 400 वॉट का ही। सो कुछ ऐसे स्पीकर लगे हुए हैं। उधर हमारे नियो के आ गए हैं। तो इधर मैं आपको नियो के भी दिखा देता हूँ कुछ। इसका ज़रा आप डिज़ाइन देखिए, थोड़ा मैग्नेट वगैरह किस हिसाब से मिली है, इसमें फ्रेम आपका कैसा लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। और ये हमारे स्पीकर कुछ आगे लगे हुए, आगे आप स्पीकर देख सकते हो जो हमारे उधर लगे हुए। GP 1800 बहुत पॉपुलर स्पीकर है, वो 1500 वॉट का देख सकते हो, 18 इंची में है। और इधर भी आप देख सकते हो। सो अगेन अब आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमने लाइट्स वगैरह लगा रखी है। यहाँ पे लाइट्स है, लाइट से कंट्रोलर्स है और लेज़र्स वगैरह सब लगाई हुई हैं, फॉग मशीन्स हैं। तो अभी फिलहाल जो ATI Pro की हमारी जो लाइट्स आती है वो आती है 9R 12R और 20R। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी रिस्पॉन्स देख सकते हो इनका लाइट्स का। और यहाँ पे कुछ हम आपको सेटिंग्स दिखाते हैं। तो ये हमारी 9R हो गई, ये हमारी 20R हो गई, वो हमारी 12R हो गई। साथ में हमारे यहाँ पे कुछ कंट्रोलर्स भी रहते हैं, इधर आप देख सकते हो। और इधर हमारी आ गई फॉग मशीन 2000 वॉट की और LED के साथ है, ये यहाँ पे देख सकते हो फॉग निकलेगा, LED भी जलेगी। लुक देख सकते हो आप, ये हमारा फॉग मशीन का रेड कलर के अंदर है, 1500 वॉट की है। ATI Pro की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। अगेन हमारा आगे मिनी बर्न कंट्रोलर, जिससे हमने अभी पूरी लाइट जो कंट्रोल कर रखी है। और इधर हमारी वायरलेस माइक्स की रेंज है, जो ABC मॉडल आते हैं, मतलब 2 हैंड वाले हैं, 1 कॉलर वाला है, 1 हैंड वाला है, दोनों कॉलर वाले हैं। 3 चैनल का DJ मिक्सर आ गया। और इधर हमारा आगे नीचे पायलट 2000, ये हमारी नई शार्पी है, इसके बारे में आपको एक प्रॉपरली वीडियो में बताएंगे। बहुत पावरफुल शार्पी है, इसके आगे दूसरी शार्पियाँ फेल ही है, जिस प्राइस रेंज में आ रही है उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा DMX 512 हो गया और फ्लाइट के साथ आ गए दोस्तों। और दोस्तों हमारी वो लेज़र हो गई, लेज़र हमारी 20 वॉट की ओरिजिनल है और वहाँ पे हमारा मिक्सर हो गया। अब दोस्तों इधर आप देख सकते हो जो हमारी लाइट्स के फ्लाइट के साथ है, कुछ इस टाइप से मिलते हैं नीचे। ये 20R का है, यहाँ पे नेम्स दिए गए हैं। 20R को प्रभात दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 9R को हमारा पृथ्वी दिया गया है। और दोस्तों हमारा एक 12R है, 12R को हमारा वायु दिया गया है नाम। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा स्टॉल था। आपको प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं अलग वीडियो में दूंगा। जो हमारी छोटी ली शॉर्पी उसके बारे में आप थोड़े जो पावर एम्पलीफायर्स है वो भी देख लेते हैं। तो पावर एम्पलीफायर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। सो इधर आप आ जाइए। सो अगेन इधर हमारे पावर एम्पलीफायर्स आ गए। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क्स वगैरह रखी है, HF वगैरह रखे, जो भी हमारे ATI Pro आती है, डायफ्राम्स वगैरह। तो 4594 हो गई, ये 2545 हो गई, ये वाले आप देख सकते हो। सारी HF रखी हुई है, छोटी भी है बड़ी भी है, नियो के साथ भी है, देखो 50 वोट की है। डायफ्राम्स हो गए सारे। इधर क्रॉस ओवर्स हो गई, इंडियन में हो गई, ये इम्पोर्टेड क्रॉस ओवर्स हो गई, जैसे G12 G15। इनकी दोस्तों वीडियो मैंने पहले बना रखी है, सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है किस हिसाब से कैसे कैसे जो नेटवर्क्स है कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर माइक्रोफोन की हमारी वायर्ड वाले माइक्रोफोन के लिए रेंज आ गई। इसकी मैं एक बार आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। जो हमारा माइक है तो सबसे टॉप मोस्ट जो मॉडल है वो ये वाला है, M8। इसके फिनिशिंग देखिए, और एकदम स्मूथ है, मतलब फिनिशिंग जो इसकी है शाइनी है, तो ये आप देख सकते हो। तो बाकी बहुत सारे मॉडल आते हैं माइक में भी। और ये जो माइक्रोफोन है विद पाउच वगैरह मिलते हैं आपको। तो एक ये था। अभी ATI Pro ने अपने कैबिनेट्स लॉन्च करे मॉनिटर के, तो ये आप क्वालिटी देख सकते हो कैबिनेट की। इम्पोर्टेड कैबिनेट्स है दोस्तों, ये बॉक्स पैक के अंदर आते हैं, इसके ऊपर आपको आउटर बॉक्स मिलता है। सो क्वालिटी देख सकते हैं, यहाँ पे फोमिंग दी गई है, प्रॉपर ग्रिल के ऊपर फोमिंग दी गई है। यहाँ पे लोगो आप देख सकते हो। और इसको मैं आपको साइड से दिखाऊँ। सो ये देखिए हैंडल वगैरह आपको सब मिलते हैं इधर। और कैबिनेट है और काफ़ी हैवी है ये। और इधर हमारे आ गए पावर एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफायर्स की रेंज आप देख सकते हो यहाँ से, जो काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। ATI 18 है, 30 है, 48 हुए, 4 चैनल का हो गया हमारा, ये डुअल चैनल्स हो गए। और ये हमारा हो गया ATI 12, ATI 20। इधर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये तो दिखाई दिया 4K 2M, 3K 2M, 2K 2M वहाँ पे। और इधर 601 आ गया, इसके अंदर का जो आपको हमने वहाँ पे दिखाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1201। और ये हमारा हो गया 601U। एक्चुअली ये USB के साथ आता है, थोड़ा मल्टीमीडिया वगैरह फंक्शन होते हैं इसमें। ये हमारे डायट सीरीज़ के एम्पलीफायर हो गए। और यहाँ पर हमारे साथ है सार्जन भाई। और भाई कैसे हो? बढ़िया, अभी करते हैं वीडियो। सो आगे दोस्तों हमारा आ गया है ये PD 2460 24 इंच का स्पीकर है। इधर आप देख सकते हो 5000 वॉट की मैक्स पावर है, RMX पावर है 2500 वॉट की। सो ये है काफ़ी। इसकी मैग्नेट का साइज़ देख सकते हो आप, यहाँ पे बैक प्लेट देख सकते हो किस हिसाब से आपको फिनिशिंग में मिलती है। सो दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये एग्जीबिशन का जो हमारा थीम है ATI Pro का, वो है टेक्नोलॉजी ट्री। जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, प्रॉपर एक गाइडेड वीडियो बनाने वाले इसके ऊपर कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ कैसे कैसे ATI Pro के लिए काम करती है, ये कैसे यूज़ होती है। तो इधर आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल पे इंडियन DJ Expo की पूरी सीरीज़ चल रही है, एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग सारी वीडियोज़ उसमें देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।